रहे हैं। इस वक्त नक्सली हमले में मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। आपको बता दें, आज असम से रायपुर लौट रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बघेल ने अमित शाह से बातचीत की है, इसके साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें, नक्सली हमले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। आज असम से रायपुर लौट रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस दौरान भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और इसके साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। पहुंच जाएंगे और फिर आगे के जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान भी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 घायल हुए थे, उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे के जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। सर, क्या अभी आप छत्तीसगढ़? बिल्कुल, शाम को जा रहा हूँ।